नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप कुमार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम ओ लेवल में जो दूसरी बुक पढ़ेंगे वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइन। इसका कोड है M2R4। इसको आप अगर बाज़ार से लेना चाहें तो ले सकते हैं, इस टॉपिक पे आपको बुक मिल जाएगी। लेकिन मैं आपको इसका सिलेबस बता दूँ तो इसके लिए आइए चलिए हम देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे और कितने चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हमारा इसमें जो चैप्टर्स हैं वो 11 चैप्टर्स हैं, जिसमें आपको पढ़ना क्या क्या होगा। जैसे पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, इसमें आप इंटरनेट के जितने भी बारे में हैं वो सब पढ़ेंगे। और तो दूसरा चैप्टर है वो TCP/IP इंटरनेट टेक्नोलॉजी पे जितने भी प्रोटोकॉल हैं उसकी टेक्नोलॉजी कैसी है ये सब पढ़ेंगे। तीसरे चैप्टर में आप इंटरनेट कनेक्टिविटी पढ़ेंगे, उसमें जितनी भी चीज़ें हैं वो आप अभी हम डीप में उसमें देखेंगे। इसमें इंटरनेट नेटवर्क, उसकी सर्विसेज, इंटरनेट की ईमेल क्या है, उसके करंट ट्रेंड जो चल रहे हैं इंटरनेट पर, वेब पब्लिशिंग क्या होता है, उसको ब्राउजिंग ब्राउज कैसे करते हैं, और फिर इसके बाद हम HTML प्रोग्रामिंग, बेसिक बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ेंगे इसमें। और इसमें इंटरएक्टिविटी टूल पढ़ेंगे और इंटरनेट सिक्योरिटी से देखेंगे कि उसमें हम कैसे उसकी सिक्योरिटी मैनेजमेंट कर सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि हम पहले चैप्टर में हमें इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट में क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेट क्या होता है और उसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे कि वो उसमें, जैसे मान लीजिए इंटरनेट जो सर्विसेज होती हैं उसके एलिमेंट होते हैं इंटरनेट के, और URL क्या होता है और IP क्या होता है, ये सब एनाटॉमी है इंटरनेट की, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। और उसको गवर्नेंस कैसे करते हैं इंटरनेट को, इसमें सारी चीज़ें इंटरनेट इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी ये इंट्रोडक्शन से रिलेटेड चीज़ें होती हैं इसमें हम पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में जो TCP/IP इंटरनेट टेक्नोलॉजी में, इसमें हम IP पढ़ेंगे, इंटरनेट प्रोटोकॉल जितने भी रिलेटेड हैं, और पैकेट स्विचिंग पढ़ेंगे TCP/IP और उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें लगती हैं, जैसे राउटर, इंटरनेट एड्रेसिंग कैसे होती है, उसकी एड्रेसिंग कैसे की जाती है, ईमेल एड्रेसिंग में कितने पार्ट होते हैं, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे। और रिसोर्स एड्रेस पढ़ेंगे जो मतलब एब्सोल्यूट होते हैं, रिलेटिव, ये सब हम ये हम रिसोर्स एड्रेस में मतलब URL, जैसे आप जो डालते हैं www.facebook.com, इससे जैसे ये सब क्या है URL हैं, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें। आइए देखते हैं थर्ड चैप्टर में। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कनेक्टिविटी टाइप, उसकी कितने टाइप की होती है, कितने लेवल की होती है, 3 टाइप की होती है, तो यही सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। उसका सेटअप कैसे होता है, जब हम कनेक्शन सेटअप करते हैं तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या क्या हमें चाहिए, मॉडेम चाहिए, उसकी मॉडेम की कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है, ये सब। और इंटरनेट अकाउंट ISP, इंटरनेट जो सर्विसेज प्रोवाइडर हैं, जैसे BSNL हो गया, और आप जो जैसे डिश केबल TV वाले भी अब डिश देने वाले हैं, तो मतलब नेट डिस तो देते ही हैं, नेट देने वाले हैं, तो कितने टाइप के आपके इंटरनेट जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो कितने कितने टाइप के हैं, और कैसे कैसे टेलीफोन कनेक्शन से, डायलअप कनेक्शन से, मॉडम के थ्रू या किसी के थ्रू भी आपको इंटरनेट मिलता है, उसके प्रोटोकॉल के ऑप्शन, प्रोटोकॉल में क्या क्या होता है और उसकी सर्विसेज ऑप्शन, ये हम पढ़ेंगे इसमें। आइए हम देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो चैप्टर है हमारा इंटरनेट नेटवर्क। ये आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, इससे एग्ज़ाम में भी आपका सबसे ज़्यादा पोर्शन कवर होता है, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये। जैसे नेटवर्क की डेफिनेशन, नेटवर्क के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, नेटवर्क की डेफिनेशन में जैसे मतलब अब कितने टाइप के हम नेटवर्क, लैन, वैन, मैन, है ना, उसी से थोड़े बहुत मिलते जुलते ये सब जितने भी बने हुए हैं, है वैन है, उसके कितने टाइप होते हैं, नोड, होस्ट, ये सब बैंडविड्थ, वर्क स्टेशन, ये सब हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें क्लाइंट सर्वर मॉडल पढ़ेंगे, कम्युनिकेशन मीडिया क्या होगा हमारा, है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें एड्रेसिंग कैसे होती है, पीयर टू पीयर पढ़ेंगे, और कितने टाइप की टोपोलॉजीज होती हैं, कि मतलब जो हम नेटवर्क एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे हैं किस टाइप से कनेक्ट कर रहे हैं, बस, रिंग, ट्री, मैश, स्टार, ये सब जितनी भी टोपोलॉजीज हैं 7-8 टाइप्स की, वो हम पढ़ेंगे।
पढ़ने के बाद हम इंटरनेट और एक्सट्रानेट पढ़ेंगे और फिर हम पढ़ेंगे ओ एस आई मॉडल, उसकी 7 लेयर्स पढ़ेंगे, जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन है इसका, इसमें 7 लेयर्स होती हैं वो पढ़ेंगे, और TCP/IP प्रोटोकॉल पढ़ेंगे, और जो ट्रांसमिशन स्टेट्स होते हैं असिंक्रोनियस और सिंक्रोनियस, ये इसमें हम 4 चैप्टर पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये चैप्टर आप बहुत ज़्यादा एग्जाम में कवर करता है और बहुत ज़्यादा इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। 5 जो चैप्टर है वो है सर्विसेज और इंटरनेट, इसमें हम पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, टेलनेट, उस पर जितनी भी सर्विसेज इंटरनेट पे चलती हैं, टेलनेट, FTP, यूजनेट, इंटरनेट रिले चैट और सर्च इंजन। जो सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं जैसे गूगल, याहू, ब्लिंग, ये सब जितने भी सर्च इंजन्स हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे 5 चैप्टर में। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ईमेल, ईमेल क्या होता है, ईमेल जो हम लोग सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मेल जो सेंड करते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें क्या क्या प्रोटोकॉल होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है लिखने का, और उसके कंटेंट इनकोडिंग कैसे की जाती है, उसकी राउटिंग, उसके क्लाइंट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है, और उसका इनक्रप्शन कैसे किया जाता है, उसकी वो हम जैसे अगर हम किसी को ईमेल भेजना चाहते हैं तो इनक्रप्ट करके उसको भेजते हैं कि ताकि दूसरा कोई उसे हैक करके पढ़ ना पाए, तो उसको इनक्रिप्ट करके दूसरी लैंग्वेज में या दूसरा इनकोड इनक्रिप्ट कर देते हैं, उसकी एड्रेसेस बुक, ये सब हम चीज़ें ईमेल में पढ़ेंगे। सेवन सेवन चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो जैसे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, कितनी टाइप की लैंग्वेजेस होती हैं, जो जैसे जावा, जावा स्क्रिप्ट, ये सब हम चीज़ें पढ़ेंगे, इंटरनेट फ़ोन, जैसे हम इंटरनेट से जो कॉलिंग करते हैं, और इंटरनेट वीडियो, जैसे हम कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, ये सब चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे जो ट्रेंड अभी चल रहा है। और ई कॉमर्स का सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपको दे दूँ, ई कॉमर्स में हम फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, अमेजोन, ये सब ये यूज़ कर रहे हैं, ये ई कॉमर्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रेंडें हम इंटरनेट पे यूज़ कर रहे हैं वो हम 7 चैप्टर में पढ़ेंगे। आइए आते हैं 8 चैप्टर पे, इसमें हम पढ़ेंगे HTML क्या होता है, वेब होस्टिंग, CGI क्या होता है, CGI पे आप हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन हमारा एक आगे और चैप्टर है उसमें हम डीपली पढ़ेंगे। इसमें वेब पब्लिशिंग क्या होता है, मतलब हम वेब पब्लिशिंग कैसे कर सकते हैं, उसके टूल्स क्या होते हैं, एक वेबसाइट को कैसे बनाते हैं, उसको उसका मेंटेनिंग कैसे करना है, उसकी पहले उसको क्या करते हैं, एक पहले डिज़ाइन कर लें, उसके बारे में सोच लें कि कैसे हमें कैसी वेबसाइट बनानी है, मतलब उसकी प्लानिंग कर लें, फिर मेटा सर्च इंजन क्या होते हैं, और फिर पब्लिशिंग टूल पढ़ेंगे, ठीक है, इसमें हम सारी चीज़ें ये पढ़ेंगे। फिर 9 चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ये भी हमारा इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिससे आपके क्वेश्चन आने ही आने हैं और बहुत ईजी है, इसे आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका ये फुल में से फुल मार्क्स देने के, क्योंकि इसमें जो है इंट्रोडक्शन, हेडिंग एलिमेंट, ब्लॉक ओरिएंटेड एलिमेंट, लिस्ट कैसे बनती है ना, उसके लिंक कैसे हम HTML में कैसे लिंक लगा सकते हैं, कि उसके जैसे हम अपनी वेबसाइट पे हमने मान लीजिए किसी और का लिंक लगा दिया है ना, जैसे उसके थ्रू आप फेसबुक में जा सकते हैं, ट्विटर पे जा सकते हैं, उसके उसमें टेबल कैसे बना सकते हैं, टेबल के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, फ्रेम कैसे बना सकते हैं अपनी वेबसाइट पे HTML के थ्रू, कैसे इमेजेस मल्टीमीडिया लगा सकते हैं है ना, ऑडियो वीडियो जो भी अटैच करना है, उसके टूल्स और उसके ग्राफिक्स, वेब एडिटर्स, इसमें जितने भी हैं पढ़ेंगे हम। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट एक 4 चैप्टर और 9 चैप्टर, ये आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि अगर ये दोनों आप कवर करके अच्छे से पकड़ के जाएंगे तो आपका एग्ज़ाम में बहुत अच्छा मार्क्स आ सकते हैं। और 10 चैप्टर है जो इंटरएक्टिविटी टूल है, इसमें आप एक्टिव सर्वर पेज, इसमें आप पूरा कॉमन गेटवे इंटरफेस है कि मतलब इसमें आप पूरा डीपली से पढ़ेंगे, वीवी स्क्रिप्ट क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट और जावा, माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज और फ्लैश, ये हमारे जो टूल्स हैं इन सब के बारे में आप 10 चैप्टर में पढ़ेंगे। 11th चैप्टर है जो है, जो कि हमारा लास्ट चैप्टर है, इसमें आप पढ़ेंगे इंटरनेट की जो सिक्योरिटी होती है, जो थ्रेट्स आते हैं, वायरसेस आते हैं, वो हमारे उससे कैसे बचा जाए, कौन कौन तरह के वायरस होते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसका मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, फायरवॉल क्या होता है, ठीक है, और इन प्राइवेसी हम कैसे लगा सकते हैं, कैसे हम इंटरनेट के थ्रेट से बच सकते हैं,
और आप जो कॉपीराइट इशू भी इसमें पढ़ेंगे कि कॉपीराइट इशू होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारे 11 चैप्टर हैं, आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आया होगा। तो इतनी चीज़ें का अगर आप करके जाएंगे तो, और अगर आपको मैं बता दूं, आप 9 चैप्टर और 4 चैप्टर कभी ना छोड़ें, क्योंकि ये आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है इसमें। इससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क लाने में हेल्प मिलेगी। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, मेरे वेबसाइट को विज़िट करें, और इस वीडियो को दोस्तों में अपने दोस्तों को शेयर करें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।